अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड लेके मैं आया हूँ और सवात द पैराडाइज सीरीज मेरी अभी चल रही है। ये जब आप गबराल वैली की तरफ जाते हैं तो मेन ब्रिज से, मेन ब्रिज के बाद राइट साइड पे सड़क जाती है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर आपने आगे जाना होता है। तो इस वक्त तो मैं उस जंगल के पास से मैं निकल रहा हूँ और ये कोई 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता है और फिलहाल तो खैर पानी थोड़ा कम होगा लेकिन अच्छी जगह है और मज़ाफात में है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं है। वैसे आपको बताऊं, गबराल रोड के ऊपर जब आप जाते हैं तो गबराल पे आपको खड़खड़ी लेक मिलती है, शाही बाग मिलता है, अतरोड़ वैली भी वहीं से आती है, तो बहुत बड़ा गेटवे है ये। लेकिन हम वहाँ के जो ब्रिज आएगा, ब्रिज से राइट हो जाएंगे, राइट ब्रिज राइट टर्न लेने के बाद हमें 2.5 से 3 किलोमीटर तय करेंगे इंशाल्लाह और हम पहुँचेंगे ब्लू वाटर। आज ग्रिप ऑन ट्रिप में सफ़र किया जा रहा है ब्लू वाटर की तरफ, जो कलाम शहर से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। ब्लू वाटर तक जाने के लिए आपको कलाम फॉरेस्ट से लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। इस मोड़ पर ब्लू वाटर का बोर्ड भी लगा हुआ है। वाटर स्पॉट की तरफ जा रहे हैं हम लोग और फुल टाइम मिट्टी कट्टे वाला प्रोग्राम है, लेकिन रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। आप ये देख रहे हैं काफ़ी हिलजुल चल रही है। ये 6 किलोमीटर दूर है ओशु जंगल के से, जब आप लेफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है, मेरा ख्याल आधा घंटा हमें हो गया और अभी साइन आया था कि तकरीबन 2 किलोमीटर रह गए। तो ये मास्क मैंने इसलिए चढ़ा लिया कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, लग तो यही रह गई, इंशाल्लाह अच्छी जगह नज़र आने वाली है। गबराल रोड वाला पुल क्रॉस करने के बाद मज़ीद 3 से 4 किलोमीटर तय करना पड़ता है। ये वाला रास्ता काफ़ी ख़राब है लेकिन इसका दुरानिया कम है। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी कैंटीन भी बन गई है और यहाँ पे बड़ा रश लगा हुआ है क्योंकि 2-4 टूर आए हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल है। तो चल के देखते हैं कैंटीन में क्या क्या मौजूद है हमारे लिए। इस तवे पे तो 3-3 रोटियां इकट्ठी पक जाएंगी जी। हां बनाना थोड़ा मुश्किल है ना। अच्छा किचन में इस वक्त फुल टाइम रश लगा हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। मेरा ख्याल था यहां से सिर्फ पकोड़े और चिप्स चाय मिलती है, ये लोग तो कढ़ाई भी बना रहे हैं, रोटियां, सैलड, रायता, सब कुछ, यो सीन होना इनका। और बड़ा बिजी है और काफी लोग ऑर्डर का अपने इंतजार कर रहे हैं किचन में। तो वहां बहुत सी ऐनक पा रही है।
इस कैंटीन में आपको ट्राउट फिश भी यहाँ से मिल जाती है आपको ब्लू वाटर से। ये जो आप छोटा सा पीछे स्विमिंग पूल देख रहे हैं ये ट्राउट मछलियों का है और इसमें कुछ 6 से 7 मछलियाँ तैर भी रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ, मछलियाँ कैमरा शाय हैं, कोशिश करते हैं कि उनके पर्दे का ख्याल रखें और उनकी वीडियो बना लें पेश की इजाज़त के साथ। जैसे जैसे इस जगह को लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी आती जा रही हैं, बड़ा ही पीसफुल सीन है यहाँ पे, लोग कुकिंग भी खुद कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे लोग हाइकिंग करते हुए दूर दूर तक जा रहे हैं। तो अभी हमने पॉइंट को तो एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन थोड़ा ट्राई मारते हैं कि ज़रा दूर तक चलते हैं और ड्रोन से तो दूर के नज़ारे ले लिए हैं, अब ख़ुद भी नज़ारे लेते हैं दूर दूर से। खुद बनाया आपने खाना? वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, तो कितना रेट देते हैं आप आउट ऑफ 10? 10। अच्छा, क्या क्या खुद भी अपने? हाँ, रेट मैं करता हूँ ठीक है। ये खाना लगता है वाकई मज़ेदार है, जो कुछ नहीं बचा पीछे। आप बाकी बहुत मजे के हैं और चिकन ही बीच के ना, वो तो बीफ है चिकन से। चलो वो भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप ठीक कह रहे थे कि आप बाकी बहुत मजे। आप देख आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं भाई? 10 से 11। थैंक यू सो मच। आप भी खा ले खाना। खाना खा रही। अभी कुछ लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे तो मैं सिलेंडर देख के उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खुद बनाया? तो शायद मेरे पूछने के स्टाइल से उनको पता लग गया कि इन्हें बड़ी भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे सुला मारी। बड़े अच्छे लोग थे यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं उनके पास बैठ गया, मजबूरन उन्होंने इंसिस्ट इतना किया, फिर मुझे 1, 2, 10, 11, 12, 15 लुक में लेने पड़े। लेकिन आपके कबाब बहुत मजे के थे भाई, थैंक यू। कलाम से बिल्कुल 8-9 किलोमीटर के फासले पर ब्लू वाटर का जो स्पॉट था वो मैंने कवर किया है। ये रिसेंटली बनाया गया है, अच्छा फैमिली स्पॉट है
और वैसे तो मेरा ख्याल था यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं है, लेकिन वॉशरूम भी है, प्रॉपर रेस्टोरेंट भी मौजूद है, आपको इवन के ट्राउट फिश भी यहाँ से मिल जाती है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सजेशन में बताइएगा कलाम वैली में और कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप देखना चाहते हैं। और अगर आप कलाम वैली की खूबसूरत तरीन जगह देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं कोस्टल हाईवे का खूबसूरत सफ़र तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में खानों और खूबसूरत इलाकों का ये सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।